Hi, I'm Dr. Gaurav Kakkar, pediatric ophthalmologist and squint specialist at the I-7 group of hospitals at Lajpat Nagar. Aaj hum tirchhapan ya bhengapan ke baare mein aapko thoda sa batayenge. Tirchhapan ya bhengapan tab hota hai jab aankhon ka alignment seedha nahi hai. Aankh either bahar ki taraf hoti hai most commonly ya most commonly aankh andar ki taraf hoti hai. Ye tirchhapan पैदाइशी हो सकता है या आगे जाके बड़े होके भी हो सकता है. तो इसका मोस्ट कॉमन रीज़न जो तिरछापन या भेंगापन का है, मसल की वीकनेस की वजह से हो सकता है, नर्व के वीकनेस की वजह से हो सकता है, या चश्मे के नंबर की वजह से भी हो सकता है. तो इसका जो इलाज जो हम करते हैं, पहले चश्मे से ही ट्राई करते हैं कि अगर इसका इलाज कर सकते हैं. एक्सरसाइज के द्वारा कोशिश करते हैं कि आईज इसका तिरछापन ठीक हो जाए, और फिर अगर वो उससे नहीं होता है तो फिर लास्ट में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. ऑपरेशन जो हम करते हैं तिरछापन में, आँखों के मसल्स के ऊपर करते हैं. ये आँखों के मसल्स जो है आँखों के बाहर रहते हैं. अगर आँख अंदर की तरफ है तो हम ये अंदर वाले मसल्स को लूज करके और बाहर वाले मसल्स को टाइट करके आँख को अंदर से बाहर ले आते हैं. अगर आँख बाहर की तरफ है तो आँखों के बाहर वाले मसल्स को लूज करके और अंदर वाले मसल्स को टाइट करके आँख को अंदर से बाहर लाते हैं, और तिरछापन उससे फिर ऑपरेशन के द्वारा ठीक हो जाती है. अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये सर्जरी की कैसे जाती है. मैं राजेश कुमार, बिहार से मोतिहारी जिला से आया हूँ. हमको स्क्विंट का प्रॉब्लम था, भेंगापन जिसको बोला जाता है. हमको भी कठिनाई होती थी देखने में, और कभी कल डबल दिखाई देता था. स्क्विंट सर्जरी के बारे में यूट्यूब पर बहुत खोजा है, उसके बाद में हमको यहीं देखा, रिव्यू भी देख कर उसके बाद में मैं यहाँ आया हूँ. आपकी आँख जो है बचपन से तिरछी है, लेफ्ट वाली आँख अंदर की तरफ है. तो ये जो है मसल की कमज़ोरी की वजह से है. तो जो हम अभी ऑपरेशन करेंगे उसको मसल को एडजस्ट करेंगे. एक मसल को पीछे करेंगे ताकि आँख अंदर से बाहर आए, और दूसरी मसल को थोड़ा छोटा करेंगे ताकि वो आँख सीधी रहे. ऑपरेशन के बाद आपकी आँख सीधी हो जाएगी. ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी आँख आपकी लाल रहेगी, और लाली जो है टाँके की वजह से है, और टाँका अपने आप 2 हफ्ते में निकल जाएगा, और जो लाली है वो 2 हफ्ते में कम हो जाएगी. ठीक, हम ऑपरेशन आज करेंगे, शाम को छुट्टी कर देंगे, कल दोपहर को देखेंगे, फिर आप घर जा सकते हो, फिर आप हमें बाद में आके दिखाते हैं. ठीक. मैंने हॉस्पिटल में आया, गौरव सर से मिला, तो उन्होंने चेक करके बताया कि तुम्हारी आँखें ठीक हो जाएगी, एक आम इंसान की तरह ई कॉन्टेक्ट कर सकोगे. लेफ़्ट वाली आँख में 2 मसल का ऑपरेशन किया था. पहले मसल को हमने पीछे किया और दूसरे मसल को थोड़ा सा टाइट कर लिया ताकि आँख जो अंदर थी वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी ऑपरेशन के बाद. कैसे हो आप मिस्टर राजेश? मैं बढ़िया. और कैसा महसूस कर रहे हो? अभी तो अच्छा फील कर रहा हूं. कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है ना आपको? थोड़ा बहुत हो रहा है. थोड़ा सा हो रहा है, कोई बात नहीं. पहला दिन है ना ऑपरेशन का, थोड़े दिनों के बाद नॉर्मल हो जाएगा. आप 2754307. वेरी गुड. अभी 4327504. गुड. अभी इस आँख से पढ़ने का कोशिश करेंगे आप. 7053. गुड. 7250304. अभी 4503258275 था. अच्छा, अभी 3237 5. सर्जरी आपकी बहुत ही अच्छी हुई है. ठीक है, एक बार डॉक्टर गौरव देखेंगे और एक बार प्रेशर का जांच कर लेते हैं. ठीक है, चश्मा लगाओ. अभी तो आँख काफ़ी सीधी हो गई है. एंड ये जो लाली है वो अभी थोड़ा सा 2 हफ्ते तक रहेगा,
थोड़ा सा चुभन महसूस होगा अभी, वो धीरे 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 करके कम हो जाएगा। एक हफ्ते तक सिर नहीं धोना है आपको, काला चश्मा पूरा टाइम पहनना है, मुँह जब धोएंगे कपड़ा गीला करके पहुँचना है, आँख में डायरेक्ट पानी नहीं जाना चाहिए, दवाई टाइम पर डालना है। कल से जो भी मोबाइल टीवी जो भी करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परहेज नहीं है। बस आँख को मलना नहीं है और आँख में डायरेक्ट पानी नहीं जाना चाहिए। घर का काम बाहर का काम सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, एंड बस एक एक डेढ़ महीने के बाद आके दिखा देना। ओके, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू, वेरी वेलकम। स्किन तो पहले से काफी अच्छा हो गया है ना? यस मैम। बेटर फील कर रहे हैं? यस मैम। कैसा लग रहा है? हम बहुत अच्छा फील कर रहा सर। या पहले से बहुत अच्छा सर। ओके गुड, स्लाइड में देखें। बहुत अच्छा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ऑलमोस्ट 100% हो गया। पता भी नहीं लग रहा है कि आपका आँख का ऑपरेशन हो चुका है। यस सर। ठीक है, और कोई तकलीफ नहीं सर? जो थोड़ा ललापन है ना वो कम हो जाएगा अभी वो दवाई से। वो एक दवाई जो है एक महीने का था, दूसरी दवाई दो महीने, वो बस डाल, वो लालीपन वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। कंटिन्यू डाल रहा हूं, कंटिन्यू डालना है। ठीक है, अभी आँख बिल्कुल ठीक हो गई आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं था पहले जो अंदर की तरफ थी, अब बिल्कुल सीधा हो गया, तो उसमें अभी दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यस सर। बस चेकअप अगर कोई ज़रूरत होगी तो आके दिखा देना। बाकी आपका ऑपरेशन बिल्कुल अच्छा हो गया। यस सर। थैंक यू। थैंक यू।